press the bell icon for all the updates. घर में तो आप आ चुकी हैं, विजय के लाइफ में आ चुकी हैं, पर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या अभी हो रहा था ये? हाँ, मतलब एवरी डे मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करती हूँ कि वापस से विजय के मन में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए, उसकी फेवरेट अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आती हूँ, लेकिन हर बार मुँह फेर के चला जाता है। आज तो इतना गुस्सा आ गया मुझे कि मैंने चाय का कप उठाकर फेंक दिया। मतलब पता नहीं उसको सडनली बुलबुल से इतना लगाव कब हो गया, और मेरे साथ जिसके साथ रिलेशनशिप में था उसकी कोई फिक्र ही नहीं है उसको। तो मतलब मैं तो टिपिकल अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ इस घर की, बट वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, और मेरी सारी कोशिशें लगी हुई है कि मैं उसको कैसे मनाऊँ। अच्छा, गायत्री आपको सपोर्ट करिए, ननद कहते हैं, ननद तो हमेशा भाभी या ननद का बनता नहीं है, लेकिन इस बार ननद आपको सपोर्ट। एक्चुअली इसमें ना गायत्री का भी कुछ मकसद छिपा हुआ है। गायत्री के दिमाग में ये है कि ये CM की बेटी है, तो कल को मेरे किसी काम आ सकती है, मेरा फ़ायदा हो सकता है, इसलिए वो मेरी हेल्प कर रही है। और वो बुलबुल गरीब घर की है, गांव की रहने वाली, तो इसलिए उसको वो पसंद नहीं है, उसको पैसों से ज़्यादा लगाव है, इसीलिए वो मेरे साथ है। जब उसको लगेगा कि अब मुझे इसका साथ छोड़ देना चाहिए, तो अपना मतलब पूरा करके वो मेरा साथ छोड़ भी सकती है। अच्छा, बुलबुल को किस तरह अभी लाइफ से निकाली? मतलब विजय के तो दिलो दिमाग में बस गया, प्यार व्यार भी हो गया। हाँ, वही तो मेरा पूरा टारगेट है कि मैं क्या ऐसा करूँ, तो विजय के दिमाग में मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की भी कोशिश करती हूँ कि बुलबुल का ये सारा प्लान था पैसों के लिए तुमसे शादी की, फिर तो उसको जब पता चला कि अनंत ज़्यादा पैसे वाला है तो उससे शादी की, बट विजय कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं है। बट स्टिल एवरी डे कुछ ना कुछ कोशिश कर रही हूँ कि बस वो निकल जाए किसी तरह उसकी ज़िंदगी से, और मुझे मेरा प्यार मिल जाए। लेट्स